प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर बेंजामिन दुप्ते है और आज हम देखने जा रहे हैं मेरी दौड़ इस प्रोग्राम का छठवां एपिसोड, जिसमें हम देखेंगे कि आलिशा और धनी स्त्री के बारे में, जिसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं दूसरा राजे की किताब इसका चौथा अध्याय और आठवें वचन से हम देखते हैं। और हम विश्वास करते हैं कि इस कहानी के द्वारा आप जरूर आशीषित होंगे। तो आइए आप और हम मिलके देखेंगे ए मेरी दौड़ का छठवां एपिसोड, प्रेज द लॉर्ड। जीवन है बड़ा भवसागर, बस चलते रहो चलते रहो, यीशु प्रभु है तेरे साथ, उनमें सदा मगन रहो। जीवन है बड़ा भवसागर, बस चलते रहो चलते रहो, यीशु प्रभु है तेरे। एक दिन एलिशा शुनेम नगर से गुजरे, वहां एक धनवान महिला रहती थी। उसने एलिशा को भोजन के लिए विवश किया। इस घटना के बाद जब जब एलिशा उस मार्ग से गुजरते थे, वह भोजन करने के लिए वहां रुक जाते थे। आइए कृपा करके बैठिए। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। लीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे, चलते हैं। धन्यवाद। सुनते हो? हाँ, क्या हुआ? देखो, मैं जानती हूँ कि यह व्यक्ति जो हमारे पास निरंतर आया करते हैं परमेश्वर के पवित्र जन है। क्यों ना हम उनके लिए अपने मकान में एक छोटी सी बरसाती बना दें? वहाँ हम उनके लिए एक पलंग, एक मेज, एक कुर्सी और एक दिया रख देंगे। जब जब वो हमारे पास आएंगे तब उसमें ठहरेंगे। हाँ ठीक है। परमेश्वर के दास इधर आइए। बोलिए। काफी रात हो गई है, अंदर ठहर जाइए। जी शुक्रिया शुक्रिया। ये आपका कमरा है, आप यहाँ आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। ठीक है शुक्रिया शुक्रिया। ये जी जी चलो आराम करते हैं। जी जरूर। शुक्रिया शुक्रिया। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं भोजन के लिए, रहने के लिए कि आपने अवसर मौका दिया। धन्यवाद देते हैं, शरीर में बल शक्ति दीजिए और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अभी तो हमने खाना खा लिया है। जी हाँ जी हाँ। तो अभी विश्राम करते हैं। ठीक है स्वामी जी, चले। थैंक यू जी जस, चलिए आराम करते हैं। धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर पिता, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरण में आते हैं। रात के अंधकार से सुबह उठने का मौका दिया, इसीलिए धन्यवाद देते हैं।
आज के दिन को आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। गेजी, गेजी, उठो उठो, सुबह हो गई। हाँ उठो। सुनो। जी स्वामी। वो स्त्री को बुला के लेके आओ, हमें बाहर जाना है, ठीक है? जी स्वामी। बहन जी, आपको हमारे स्वामी बुला रहे हैं। हाँ ठीक है। धन्यवाद। आइए 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 स्वामी। तुमने हमारे रहने के लिए कितने सेवकाएं की है, कितनी चिंता की है, और तुम्हारे लिए सरपंच और प्रधान से सिफारिश की जाए। मैं अपने लोगों के साथ खुश हूँ। गेजी, इनके लिए क्या किया जाए? स्वामी जी, इनके पास धन दौलत तो बहुत है, इनको कमी है तो संतान की, और इनका पति वृद्ध। सुनिए, अगले वर्ष इसी दिन इसी समय आपकी गोद में एक बच्चा होगा। नहीं नहीं, मेरे स्वामी परमेश्वर के जन, कृपया अपनी सेविका से झूठ मत बोलिए। तेरी शरण में मैं गीत सुनाने आया हूँ। यहोवा तेरी शरण में मैं गीत सुनाने आया हूँ। पिताजी, मेरा सिर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। पिताजी, 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 मेरा सिर दर्द कर रहा है। इसे उसकी माँ के पास ले जाओ। ठीक है। मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है। मेरा सिर, मम्मी, मम्मी, बहुत सिर दर्द हो रहा है। मालकिन, मालकिन, बाबा का सर दर्द हो रहा है। क्या हुआ मेरे बेटे को? ज्यादा सर दर्द हो रहा है क्या? मेरा सिर दर्द हो रहा है। उठो मेरे बेटे, तुम्हें क्या हो गया? उठो, तुम उठते क्यों नहीं? उठो मेरे बेटे, क्या हो गया? मेरे बेटे को क्या हो गया? बोलता क्यों नहीं? बेटा उठो, उठो बेटा, बोलो। सुनते हो? एक सेवक को मेरे पास भेजिए, जिसके साथ मैं परमेश्वर के जन के पास जाऊं और तुरंत लौट सकूं। आज ये तुम उनके पास क्यों जाना चाहती हो? ना ही आज नए चांद का पर्व है और ना ही विश्राम दिवस। कल्याण ही होगा। तुम चले जाओ। बाबू जी, तेज चल। जब तक तुझे धीरे चलाने के लिए न कहूँ, तब तक धीरे न चलाना। हाँ मालकिन। ये जी, वो स्त्री आ रही है, जाओ बुला के ला। जी स्वामी। तुम कुशल तो हो? तुम्हारा पति कुशल है? सब कुशल है। हाँ
गेजी। जी स्वामी। ये छड़ी लेके जा। जी। और रास्ते में कोई मिले, जी, कोई सवाल पूछे, जी, उसे कुछ भी उत्तर मत देना। जी स्वामी। ठीक है। जी। और घर पे जाके बच्चे के सर पे रखना। जी स्वामी। जाओ। आइए आइए। एलिशा ने अपने दास गेजी को छड़ी लेकर उस बच्चे के घर पर प्रार्थना करने के लिए भेजा। और फिर ऐसा हुआ कि एलिशा के दास गेजी के प्रार्थना करने से उस बच्चे पे कोई असर न पड़ा। मैं जाकर स्वामी जी को लेकर आता हूं। ठीक है। क्या हुआ गेजी? स्वामी जी बच्चा नहीं उठ रहा। चलिए स्वामी जी, चलिए जल्दी चलिए। चलिए चलिए साथ में चलते। आप लोग बाहर जाइए। परमेश्वर पिता, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस बेटे को आपके चरण में रखते हैं। ये बेटे को आपने दिया है, सर से लेकर पांव तक आपके लव से इस समय इस बच्चे के ऊपर दया कीजिए। यीशु के नाम में आपके लहू से इस बच्चे के बीमारी को डांटते हैं, पूरी रीति से छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए। इस बच्चे को आपके हाथों में सौंपते हैं, सर से पांव तक आपके लव से कवर कीजिए, इसी समय चंगाई दीजिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन। परमेश्वर पिता, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में इस बच्चे के ऊपर आपके चरण में रखते हैं, सर से लेकर पांव तक आपके लव से इसी समय
चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। यीशु के नाम में छुटकारा दीजिए। आदर महिमा भक्ति आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। कैसे है बेटा? अच्छा। गे जी। जी स्वामी जी। इसको होश आ गया है, इसकी माँ को जाके बोलो। जी बुला के लाओ। जी स्वामी। चल मेरे बेटे। ये जी। जी स्वामी। चलो जी चलते स्वामी। हैं हम लोग। तो देखा आपने, कई सारी बातें हमने इस एपिसोड के द्वारा हमारे जीवन में सीखी है। प्रभु आपकी सहायता करे और ऐसी बातें हमारे जीवन में सीखने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म्स मिनिस्ट्री के द्वारा ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम और एपिसोड हम बनाने जा रहे हैं, तो आप इसके लिए दुआ कीजिए, प्रार्थना में याद कीजिए। और ढेर सारे प्रोग्राम हम बनाए जिसके द्वारा यीशु मसीह की सीख वचनों के द्वारा हमारे जीवन में हमें मिलती रहे। आपके प्रार्थनाओं का सहयोग हमारे जीवन में बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं आगे आने वाले समय में क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म्स मिनिस्ट्री के द्वारा काफ़ी सारे अच्छे प्रोग्राम हम बनाए, आगे के एपिसोड में हम मिलते हैं। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीषित करे, आमेन।